You are watching Maulana Anees Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment and share. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد हम और आप मुआशरती ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी और आपकी ज़िंदगी समाजी ज़िंदगी है। तजर्रुद, तफर्रुद और तन्हाई की ज़िंदगी इस्लाम में ममनू भी है और हम और आप अकेलेपन की ज़िंदगी से पाक हैं। जिस समाज में इंसान ज़िंदगी गुजारता है, जिस मुआशरे में इंसान के शबो रोज़ गुजरते हैं, उसके कुछ तकाज़े होते हैं और उन तकाज़ों को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। समाजी ज़िंदगी और मुआशरती ज़िंदगी में सबसे अहमियत की हामिल जो चीज़ है वो है आफ़ो दर गुज़र, यानी माफ़ कर देना, सरफ़े नज़र कर लेना, चश्म पोशी से काम लेना। समाजी और मुआशरती ज़िंदगी को जो सबसे ज़्यादा तबाह और बर्बाद कर देने वाली चीज़ है वो है नफ़रत। माफ़ ना करना, इंतकाम लेना और बदला लेना। इसको दूसरी ताबीर में यूं समझें कि हमारे समाज और हमारे मुआशरे में दो तरह के निज़ाम चल रहे हैं। एक रहमानी निज़ाम है और एक शैतानी निज़ाम है। रहमानी निज़ाम का खुलासा है माफ़ कर देना, रहमत से काम लेना। शैतानी निज़ाम का खुलासा है इंतकाम लेना, नफ़रत से काम लेना। ये दो निज़ाम हमारे समाज को और हमारे मुआशरे को अपनी बंदिश में लिए हुए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने वालों को रहमानी निज़ाम पे हर हाल में अमल करना है, क्योंकि उन्होंने ये कलिमा पढ़कर अपनी आज़ादी अल्लाह के हवाले कर दी कि अल्लाह इस दुनिया में हम बंदिश वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आज़ादी की ज़िंदगी इस दुनिया में हमें नहीं चाहिए। उसी बंदिश वाली ज़िंदगी का नाम है मोमिनाना ज़िंदगी और मोमिनाना ज़िंदगी का आगाज़ होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने से। हमने और आपने ये कलिमा पढ़ा है, बाशुऊर होकर पढ़ा है, इकरार भी किया है और दिल से इसकी तस्दीक भी की है। तो फिर जहन ये बना लें कि हमारी ये ज़िंदगी आज़ादाना ज़िंदगी नहीं है, हमारी ये ज़िंदगी रहमानी निज़ाम की बंदिश में है। रहमानी निज़ाम हमने अपने ऊपर अपनी मर्जी से लागू किया है, तभी ये कलिमा पढ़ा है। जिन लोगों ने ये कलिमा नहीं पढ़ा वो आज़ाद हैं,
वो शैतानी निजाम के तहत में चलने को तैयार हैं। अगर आप कुरान और हदीस के तनाजुर में और खुद दुनिया के पूरे निजाम पे और तमाम इंसानों की मामूलाती जिंदगी को देखें तो ये बात रोज रोशन की तरह आप पर भी आया हो जाएगी कि हमारे रब ने सबसे ज्यादा अफ़ो दरगुजर से काम लिया है। जिस रहमानी निजाम को हमने अपने ऊपर नाफिज किया है ये कलिमा पढ़कर, वो हमारा अल्लाह जिसने ये रहमानी निजाम हमें और आपको अपने आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अता किया है, खुद उसका अमल क्या है। सबसे ज्यादा अफ़ो दरगुजर, मोहब्बत, रहमत, माफ करने के उन्वान से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये काम हमारे अल्लाह करते हैं। कुरान मजीद का बयान आपके तजुर्बात की शहादत दे रहा है, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ, अल्लाह अगर इंसानों को उनके गुनाहों की बुनियाद पर पकड़ना शुरू कर दे तो इस धरती पर एक जानदार भी बाकी नहीं बचेगा। हर इंसान को अपनी हालत खूब मालूम है, हर इंसान को मालूम है कि वो कितने गुनाह कर रहा है और अपने अल्लाह का निजाम भी वो देख रहा है। अल्लाह अगर चाहे तो इंसान के हर गुनाह पर उसकी पकड़ करे। मैं सच अर्ज करता हूं, मेरा रब अगर किसी इंसान के किसी एक गुनाह पर उसकी पकड़ कर ले तो अगले गुनाह का मौका ही ना मिलेगा कि ये इंसान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। सबसे ज्यादा अफ़ उधर उधर से कौन काम लेते हैं? हमारे अल्लाह। उन्हें मालूम है, वो देख रहे हैं कि उनके बंदे उनकी बनाई हुई जमीन पर गुनाहों का बाजार गरम किए हुए हैं। हर चहार जानिब मासियत का बोलबाला है लेकिन वो फिर भी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, औलाद अता कर रहे हैं, कारोबार अता कर रहे हैं, मामूलाती जिंदगी चल रही है। ये उनकी माफी का ही अक्कास है। ये हमारी और आपकी गुनाहों भरी जिंदगी अगर चल रही है तो सिर्फ उनके रहम और करम की बुनियाद पे चल रही है। और कुरान ने इसकी तलकीन की कि सिबगत अल्लाह, अय अल्लाह के बंदो तुम भी अपने अल्लाह का रंग इख्तियार करो। वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, और अल्लाह से ज्यादा बेहतर रंग किसका हो सकता है? तुम भी अपने अंदर अल्लाह का रंग पैदा करो। और अल्लाह का रंग यह है कि वो माफी से काम लेते हैं। तुम भी अपने समाज और अपने माशरे के लोगों को माफ कर दिया करो। नफरतों से काम ना लो। ये बातें इस समाजी और माशरती जिंदगी में आपके कानों के पर्दों से जरूर टकराएंगी कि फुला ने आपकी बुराई की है। आपको समाजी और माशरती जिंदगी में ऐसी खबरें सुनने को जरूर मिलेंगी जिससे दिल पारा पारा हो जाएगा। लेकिन इस्लाम कहता है कि माफी से काम लो क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हें बहुत ज्यादा माफ करता है। अफ़ो दरगुजर से काम लो क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ में अफ़ो दरगुजर से काम ले रहा है। अगर वो पकड़ करने पर आ जाए तो इस धरती पर इंसान तो इंसान, कोई जानदार बाकी नहीं बचेगा। इंसानों ने इस धरती पर गुनाहों का ऐसा बाजार गर्म कर रखा है कि हर एक गुनाह तमाम इंसानियत को तबाह करने के लिए काफी है। अल्लाह के बाद इस रूए जमीन पर सबसे ज्यादा अफ़ो दरगुजर से जिन्होंने काम लिया है वो है अब्दुल्ला के दुर्र यतीम और आमिना के लख्ते जिगर और अब्दुल मुत्तलिब के पोते और अबू तालिब के भतीजे और अल्लाह के वो आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनसे बेहतर शख्सियत पर आज तक सूरज तुलू नहीं हुआ। उन्होंने माफी से काम लिया, अफ़ो दरगुजर से काम लिया, मोहब्बतों से काम लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों आगे बढ़ो, अल्लाह के रंग में लग जाओ और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा को अपनाओ। अफ़ दरगुजर, माफी से काम लो, मोहब्बतों से काम लो। शैतानी निजाम का खुलासा है इंतकाम लेना, शैतानी निजाम का खुलासा है बदला लेना।
शैतानी निजाम का खुलासा है नफरत करना। अगर आप आदम अलैहिस्सलाम के उस वाकये को कुरान के तनाजुर में देखें जिसे कुरान ने बयान किया है निहायत वाज़े अल्फाज में, तो आदम अलैहिस्सलाम और शैतान के दरमियान जो तफरीक पैदा हुई है, एक आदम है और एक अजाजील जो फरिश्तों के माहौल में रहा करता था, उसको इबलीस किसने बनाया, उसको शैतान किसने बनाया। अगर आप अव्वलीन मरहले का जायजा लेंगे तो नफरत का नाम आपके सामने आएगा। शैतान में आदम अलैहिस्सलाम से नफरत पैदा हुई थी। नफरत का आगाज ये शैतानी निजाम का हिस्सा है। अगर हम अपने दिल में किसी की तरफ से नफरत महसूस करते हैं तो याद रखिएगा हमारे अंदर शैतान जाग उठा है। इंतकामी कार्रवाई का जज्बा अगर दिलों के अंदर पैदा हो रहा है तो यकीन बना लेना कि हमारे अंदर का शैतान मजबूत होता चला जा रहा है। इसको रहमानी निजाम से दबा देना है। अगर रब्बानी और रहमानी निजाम से हमने शैतान के इस जज्बे को खत्म न किया तो वो शैतान अंदर बैठकर हमारे अंदर का शैतान हमें इंतकाम पर आमादा करेगा, नफरतों से दिलों को भर देगा। इसका नतीजा क्या निकलेगा? घर तबाह होंगे, तबाहियां आएंगी, बर्बादियां आएंगी, मुआशरे में फसाद बरपा होगा, समाज में अनार्की पैदा होगी। इसके लिए हमें और आपको इस शैतानी निजाम को खत्म करने के लिए रहमानी निजाम को अपने ऊपर नाफिज करना है। ये हमें और आपको तहिया करना है। समाज से आपको क्या मिल सकता है, मुआशरा आपको क्या दे सकता है, जहन ये बना लीजिए कि ये मुआशरा हमें किसी न किसी हद तक तो कबूल करता ही है, किसी न किसी हद तक मुआशरा आपको जरूर कबूल करता है। आपको दावतों में बुलाया जाता है कि नहीं, मुआशरे ने आपको कबूल किया है। समाज के लोग आपको सलाम करते हैं कि नहीं, मुआशरे ने आपको कबूल किया है। जब मुआशरे ने आपको कबूल कर लिया है बावजूद कि आपको अपनी हालत मालूम है कि मैं कितना गुनहगार हूं, तो आप भी समाज को और मुआशरे को उसकी कमजोरियों के बावजूद कबूल कर लीजिए। अगर आपने समाज की हर बुराई पर, मुआशरे की हर बुराई पर उनसे नफरतें शुरू कर दी तो फिर इस समाज की इस्लाह कौन करेगा? अगर आपने अफ़ो दरगुजर से काम न लिया तो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम कौन करेगा? इसके लिए अफ़ो दरगुजर से काम लेना होगा। समाज ने आपको कबूल किया है बावजूद कि हम और आप गुनहगार हैं, तो फिर समाज को भी कबूल कर लीजिए, मुआशरे को भी कबूल कर लीजिए। उसमें खराबियां हैं, उसमें फसाद है, उसमें कमियां हैं। उन कमियों को अपनी बैठकों में बैठ के बयान न कीजिए, मुआशरे के उस फसाद को अपने घरों में बैठकर उन पे तबसरा न कीजिए। मैदान में उतरिए और नबी अलैहिस्सलाम को जो हिदायत हमारे अल्लाह ने दी थी, खुजिलाफु व अमर बिल उर्फ وعارض عن الجاهلين, अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को भी यही हुक्म दिया। मेरे महबूब नबी, आप अफ़ो दरगुज़र से काम लीजिए, माफ कर दीजिए समाज को, मुआशरे को। इन्होंने आपको सताया तो बहुत है, लेकिन आप अफ़ो दरगुज़र से काम लीजिए, क्योंकि आप इन्हें भलाई का हुक्म देंगे। और भलाई का हुक्म इंसान किसी को भी उस वक्त तक दे ही नहीं सकता जब तक कि उसके अंदर माफ करने का जज्बा मौजूद ना हो। जब तक वो लोगों को माफ करना ना सीखे तब तक वो किसी को भलाई का हुक्म दे कैसे सकता है। नफरतों के साथ आप किसी बात को आगे नहीं बढ़ा सकते, अपनी बात आप नहीं बनवा सकते नफरतों के साथ, अल्लाह की बात आप किसी को नहीं सुना सकते जाती नफरतों के साथ। तो अल्लाह का हुक्म है, मेरे महबूब नबी, आप माफी से, अफ़ो से, दरगुजर से काम लीजिए, वह अमर बिल उर्फ और इनको भलाइयों का हुक्म दीजिए। मालूम यह हुआ कि किसी भी भलाई का हुक्म देने से पहले हमें और आपको अफ़ो दरगुजर से काम लेना होगा, मोहब्बतों से काम लेना होगा, प्यार भरी जबान इस्तेमाल करनी होगी, उसकी बुराई कहीं नहीं करनी होगी, उसके अच्छे तज़किरे करने होंगे, तब जाके आप उसे अपनी अच्छी बात सुना सकते हैं। नफरतों के साए तले,
नफरतों की तारीकियों में, इंतकाम की जुल्मतों में न कोई अपनी अच्छी बात कभी सुना सका है, न कयामत की सुबह तक सुना सकेगा। तभी अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया है, और आपके तवस्सुस से यह हुक्म आपकी उम्मत तक कुरान के हवाले से पहुंचा है। खुजिल आफु, अफु दरगुजर से काम लो, माफ कर दिया करो। जरा सी कोई बात किसी से सुनने में आई, इंतकाम का जज्बा भड़क उठा, और हर बात पे बदला लेना है, हर बात पे इंतकाम लेना है। ये रहमानी निजाम है ही नहीं, ये खालिस शैतानी निजाम है। जब कभी इंतकाम का जज्बा अंदर परवान चढ़ने लगे तो समझो कि हमारे अंदर का शैतान मजबूत होता चला जा रहा है, और हमें उसे शिकस्त देनी है इंशाअल्लाह। अपने समाज का जायजा लीजिए, अपने मुआशरे को देखिए, और ज्यादा दूर न जाइए, अपने उठने बैठने वालों का तजिया कीजिए। हम कैसे लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, हमारी मजलिस में कौन लोग शरीक होते हैं, हम किनके घरों में जाकर बैठते हैं, हमारे मुसाहिब कौन हैं, हमारे साथी कैसे हैं, हमारे दोस्तों का मिजाज क्या है, और उनके साथ बैठ के हम गुफ्तगू क्या करते हैं। हर एक को अपने दोस्तों के हवाले मालूम है, हर साथी को अपनी मजलिस के साथियों का मिजाज मालूम है। आज की नशिस्त में तहिया कीजिए, अगर हमारी मजलिसों में, अगर हमारी महफिलों में, अगर हमारे दोस्तों के दरमियान नफरतों की बात होती है, लोगों की बुराइयां बयान की जाती हैं, गीबतों का माहौल बरपा हो जाता है हमारी महफिलों में, तौबा कीजिए इससे। क्योंकि जिस मजलिस में किसी की गीबत की जाती है, उस मजलिस पर अल्लाह की तरफ से लानत नाजिल होती है। वो ऐसा है कि उस मजलिस में अपने सगे भाई, हकीकी भाई, वो भी मुर्दा, उसका गोश्त खाया जा रहा है। आपको उस महफिल से कितनी नफरत होगी जिसमें खिंजीर का गोश्त खाया जा रहा हो, क्या आपकी हिम्मत होगी कि आप वहां बैठें? आपको मालूम हो कि फुला टेबल पे चंद लोग बैठे हुए खिंजीर का गोश्त खा रहे हैं, आपकी हिम्मत होगी कि आप उनके करीब बैठें? और एक टेबल पे मालूम हो कि ऐसे वहशी लोग बैठे हैं जो अपने मरे हुए सगे भाई का गोश्त चबा रहे हैं, क्या आपकी हिम्मत होगी कि आप उस टेबल के करीब जाएं? अगर ये एक सच्चाई है और आपकी फितरत का तकाजा है, तो कुरान ने वादे कर दिया है कि जो किसी की गीबत करता है वो ऐसा है गोया अपने हकीकी भाई जो मुर्दा है, मुर्दा हकीकी भाई का गोश्त खा रहा है, उसे तो तुम नापसंद करते हो, उस टेबल के करीब जाना तुम्हें गवारा नहीं होता है, तो फिर उस महफिल में क्यों शरीक हो जाते हो जहां गीबत का माहौल बरपा है? गीबत को सुनते क्यों हो, और गीबत में तुम्हारी दिलचस्पी क्यों बढ़ जाती है? हराम गोश्त वो भी अपने भाई का खाया जा रहा है, तुम्हारे दिल ने कैसे गवारा कर लिया कि तुम उसमें बैठो और उनके साथ में शरीक हो जाओ? ये शैतानी निजाम है जिसने हमारे पूरे समाज को बर्बाद कर दिया है, ये शैतानी निजाम है जिसने हमारे पूरे मुआशरे में फसाद बरपा कर दिया है, ये शैतानी निजाम है जिसने समाज में अनार्की पैदा कर दी है। इसका वाहिद इलाज है मोहब्बतों से काम लो, इसका वाहिद इलाज है अफो दरगुदर से काम लो। तुम्हारा अल्लाह अपने बंदों को कितना माफ करता है, तुम्हारे रसूल ने अपने जालिमों को, अपने दुश्मनों को कितना माफ किया है, क्या नबी की वो सीरत हमारे और आपके सामने नहीं है? मजबूरी के आलम में नहीं, मैं मजबूरी के दौर का तज़किरा ही नहीं करता। फतेह मक्का सन 8 हिजरी में हुआ, और जब मक्कतुल मुकर्रमा में पूरा कंट्रोल नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो गया, आपकी जानी दुश्मन सारे के सारे सहने काबा में मौजूद हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी की ज़बान पे ये जुमला आ भी गया था, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो मार काट का दिन है। जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा को बहुत सताया था मक्की जिंदगी में, वो दुश्मन सामने मौजूद हैं। आपके घर में पकते हुए खाने पे जिन्होंने गलाजतें फेंकी थी, वो सामने मौजूद हैं।
जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाया था वो सामने मौजूद है। तो सहाबी की जबान पे ये जुमला आ गया था जज्बात में कि आज मार काट का दिन है, आज एक एक दुश्मन से बदला लिया जाएगा और एक एक दुश्मन को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। करोड़ों दुरूद व सलाम हो, करोड़ों दुरूद व सलाम हो नबी रहमत रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ग्रामी पर कि आपने उन सहाबी के इस जुमले को अपने पैरों तले रौंद डाला। और मेरे मुस्तफ़ा ने यह ऐलान किया था अल यौम यौमुल मरहमा, आज इन पर रहम खाने का दिन है। मुजरिम सामने मौजूद हैं, किसी से इंतकाम नहीं लिया जाएगा, आज बदले का दिन नहीं है, आज इंतकाम का दिन नहीं है, आज मार काट का दिन नहीं है, आज तो इन पर रहम करने का दिन है। जाओ तुम सब आजाद हो, तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी आफू दर गुजर इसी माफी का नतीजा था कि पूरा मक्का पुकार उठा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रायतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा का मंजरनामा इस कायनात ने अपनी आंखों से देख लिया। अल्लाह ने कहा था जब अल्लाह की मदद आएगी और फतेह मुकम्मल हो जाएगी, मक्कतुल मुकर्रमा फतेह हो जाएगा, तो मेरे महबूब आप देखेंगे कि लोग जोक दर जोक, जमात दर जमात, गिरोह दर गिरोह अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये मंजरनामा देखा कि किस तरीके से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। आज हमें शिकवा तो बहुत ज़्यादा है कि समाज में बड़ा फसाद है, घरों में बैठ के मजलिसें बरपा करते हैं, वहाँ ये बिगाड़ है, वहाँ ये खराबी है, और हमारी इस गुफ्तगू ने दिलों में उनकी तरफ से नफ़रतें पैदा कर दी और ऐसी नफ़रतें पैदा कर दी कि उनके करीब जाना छोड़ दिया, उनको नसीहतें बंद हो गईं, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं। आज के दौर में इस उम्मत मरहूमा को बुरा कहने वाले बहुत हैं। इस चीज़ों पे खड़े होके हमारे लीडरान कौम इस कौम को बुरा तो कहते हैं मगर इस्लाह का कोई नुस्खा नहीं देते। इस कौम के ऊपर तनकीद करने वाले बहुत हैं, अफो दरगुदर से कोई काम नहीं लेता, आंखों से बहने वाले आंसुओं को कोई आस्तीन नहीं जो पोछ दे। अल्लाह हमें और आपको शऊर अता फरमाए।